हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। नमस्ते, मैं हूं शर्वा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है, यही हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिएगा वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्टक महसूस कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या ईमेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। जेमिनी, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी इसमें पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ। द हायरोफेंट, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओ, काफ़ी सारे लोगों की नज़रें आप लोगों पे टिकी हुई है और वो सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। काफ़ी सारे लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर। फोर ऑफ कप्स, ओके, और वो सोच रहे हैं कि आप किसी से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्राइवेट जोन में आके क्या कर रहे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे, अपने आप के बारे में ओपन अप नहीं कर रहे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, ऐसा भी क्या कर रहा है ये। सो बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है। आप अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं और लोगों के मन में बहुत एक्साइटमेंट, उत्सुकता है, मतलब ये जिज्ञासा है जानने की, क्यूरोसिटी है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है आखिर, और आप लोग कर क्या रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो। हो सकता है कि आपने रातों रात अपनी पर्सनालिटी चेंज कर ली हो या फिर अपने बारे में मतलब कुछ हासिल कर लिया हो आपने अपनी लाइफ में, और लोगों को लग रहा है कि ऐसा कैसे कर लिया। बहुत सारे लोग यहाँ पर जेलस एनर्जी में हैं आपके सामने, ठीक है, और आपकी पीठ के पीछे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में। और यस, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रोटेक्ट करके ही रख रहे हैं, बाउंड्रीज़ बना के रख रहे हैं, तभी लोगों के मन में इतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही है कि ये कर क्या रहा है आखिर, क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। साथ में मुझे लगता है कि आप लोग है ना बहुत ज़्यादा अपने करियर लाइफ में मान सम्मान प्रतिष्ठा को गेन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करने वाले हैं और आपसे एडवाइस या गाइडेंस लेने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपकी बातों को सुनने वाले हैं। आप एक अच्छी ऑडियंस को गैदर कर रहे हैं जो आपको सुने और आपका सम्मान करें, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक गुरु की भूमिका को आप लोग अदा कर सकते हैं, लीडरशिप भूमिका को आप लोग अदा कर सकते हैं। आपके आपकी इंटेलिजेंस स्किल्स बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत ही मतलब क्विक, ऐसे फास्ट डिसीजंस आप लोग लेने वाले हैं अपनी लाइफ में। बट यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग है ना डे ड्रीमिंग में ज़्यादा रह सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में ज़्यादा रह सकते हैं। हो सकता है आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस हो, मतलब मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हो, मल्टीपल चॉइस वाली चीज़ें हो, तो आपको डिसीजन में लेने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में बैठे हैं तो आप लोग आराम से डिसीजंस ले पाएंगे और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, बट आप लोग वही कंसिडर करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है। और आप किसी के सामने झुकने नहीं वाले हैं, आप किसी, यू आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस के लिए आप लोग सेटल नहीं होने वाले हैं। साथ में मुझे लग रहा है कि आपकी कोई ना कोई विश पूरी हो सकती है। सो यस, कोई छोटी विश हो या बड़ी विश हो तो ये चीज़ आपकी विश पूरी हो सकती है कुछ ना कुछ। और अपने डिसीजंस को सोच समझ के लीजिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है आप अपने माइंड में ही प्लान्स बना रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लान तो ठीक है बना रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी सही ढंग से करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यस, लोगों के लिए आप एक गुरु की भूमिका को अदा कर रहे हैं, तो अगर कोई आपसे गाइडेंस मांगने आता है तो आपको ज़रूर उनको गाइडेंस या एडवाइस देनी चाहिए, ठीक है।
हो सकता है आपके नॉर्मल से सिंपल से शब्द ही उनके लिए कुछ ना कुछ आंसर का काम करें, कुछ गाइडेंस का काम करें, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको खुद का भी कोई आंसर सोल्यूशन मिलने वाला है, खुद के क्वेश्चंस का जवाब, आप किसी चीज़ में स्टक हैं तो उसका भी जवाब यहाँ पर आपको मिल सकता है। और बहुत सारे ऑफर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, बट जो चीज़ आपके लिए बेस्ट है ना वही आप चूज़ करने वाले हैं। और यस, यू आर गोइंग टू चूज़ द बेस्ट, बहुत ही अच्छा है ये चीज़। और 777 एंजल नंबर मुझे नज़र आ रहा है, जो कि बात करता है आप लोग बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है आपकी लाइफ, सो डोंट वरी। साथ में मुझे लग रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट करने के लिए भी जा सकते हैं, और किसी टीम वर्क में या कोलाबरेशन में काम करते हुए आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ सोशल गैदरिंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने घर में कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रिपेयरिंग वगैरह आप लोग करवा सकते हैं, अपने घर का नक्शा आप लोग बनवाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप प्लानिंग बहुत अच्छे से करने वाले हैं, हर चीज़ की प्लानिंग अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। और यस, प्लानिंग तो कर रहे हैं, बट अगेन मैं कहूँगी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी, उसको प्रैक्टिकल तौर पे लेकर आना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लानिंग ही करते मत रह जाइएगा। ऑल्सो यहाँ पर लव लाइफ में मैं देख रही हूँ, जो लोग भी सिंगल हैं फिलहाल, वो लोग सिंगल ही रहने वाले हैं, और आपके सामने कोई ऑफर्स आ रहे हैं, अरेंज मैरिज के ऑफर्स भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो जो भी ऑफर्स आ रहे हैं फिलहाल आप लोग अपने ऊपर ही फोकस करे हुए हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी सिंगल एनर्जी में ही रहना है, मुझे खुद पे काम करना है, मेरे करियर पे काम करना है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करना है। आप खुद पे ही काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और साथ में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। चार दीवारों के अंदर बैठ के आप लोग मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं ऐसा। और साथ में मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग या सिंगल हैं, तो बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, बट आप लोग चूज़ नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, अपने आप को, खुद को चूज़ करेंगे आप आने वाले वीक में ना। और साथ में मुझे लग रहा है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रोथ दिख रही है, आपके पार्टनर आपको बहुत खुश रखेंगे, बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका करियर आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है, अपने आप पे ज़्यादा फोकस है आपका, रादर दैन कोई रोमांटिक लाइफ में। तो यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी रोमांटिक लाइफ एज इट इज़ नॉर्मल ही चल रही है, लड़ाई झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बट अपने रोमांटिक लाइफ को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आपको नज़र भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हैं, कार्मिक सिचुएशंस में हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धोखा फेस करने के लिए मिल सकता है। लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, ये हर किसी के लिए मैं बोल रही हूँ, लोगों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। और आपको किसी की वजह से धोखा फेस करने के लिए मिल सकता है। ऑल्सो यहाँ पर अपनी आँख और कान खुले रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है, अवेयरनेस, अवेयर रहिएगा सिचुएशंस के साथ, ठीक है। और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा। जो लोग थर्ड पार्टी या कार्मिक सिचुएशंस में हैं, थर्ड पार्टी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, बट आप लोग अपनी प्रोटेक्शन पावर में, आपके साथ प्रोटेक्टिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि आपको ना कोई मेंटली इतना हार्म नहीं पहुँचा पाएगा, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन एनर्जीज के थ्रू। ऑल्सो मैं देख रही हूँ आप लोग हेल्थ वाइज, आपकी हेल्थ वाइज सब अच्छा नॉर्मल ही रहने वाला है, बट थोड़ा सा प्रोटेक्शन अगेन रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे नेगेटिव लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, भक्ति में या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान लग सकता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित महसूस करने वाले हैं, मेडिटेशंस वगैरह आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, किसी टेंपल या मंदिर मस्जिद ये सब आप लोग विज़िट करने के लिए जा सकते हैं, एंड आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है मिथुन राशि। अट्यून टू द डिवाइन, गो विद द फ्लो की एनर्जी यहाँ पर है, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, और जैसा डिवाइन आपको लेकर जा रहे हैं ना वैसे ही बहते जाइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ, ब्यूटिफुल मैसेज यहाँ पर जो आया है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, अपने आप पे प्राउड, अपने आप पे गर्व महसूस कीजिए, और स्पीक योर वर्ल्ड इन टू बींग। मुझे लगता है आपको एफर्मेशंस करने की ज़रूरत है, और अपने थ्रोट चक्रा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और ज़्यादा काम कीजिए, और जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए एफर्मेशंस कीजिए, ठीक है।
आस्क योर एंजल्स, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने एंजल्स से मांगिए, अपने गॉड से मांगिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश पूरे हो रहे हैं, आस्क फ्रॉम एंजल्स, ठीक है. लुक फॉर अ साइन, कुछ ना कुछ एंजल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं आपके आसपास में, तो वो आपको साइन दिखा सकते हैं, कोई एंजल नंबर दिखा सकते हैं, तो उन साइंस को पहचानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई वीडियो के थ्रू, कोई सॉन्ग के थ्रू, ठीक है. तो वो आपको साइंस देने वाले हैं. और इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है, ओके. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए. सो यस गाइस, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीक की गाइडेंस. अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली आज की रीडिंग से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल. और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो. एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, तो आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं. और उसके लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं. जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन मिल जाएगी. तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.